हेलो फ्रेंड्स, बिजनेस लॉ के अंदर आज हम करेंगे व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन बिल ऑफ एक्सचेंज एंड प्रॉमिसरी नोट। सबसे पहले हम देखते हैं बिल ऑफ एक्सचेंज का अर्थ क्या है, प्रॉमिसरी नोट का अर्थ क्या है। देखो, बिल ऑफ एक्सचेंज के अंदर क्या होता है कि अनकंडीशनल रिटन ऑर्डर होता है, और जिसके बिल ऑफ एक्सचेंज मीन्स अनकंडीशनल रिटन ऑर्डर फ्रॉम वन पर्सन टू पे ए स्पेसिफाइड सम ऑफ मनी टू ए डेजिग्नेटेड पर्सन। देखो, जो बिल ऑफ एक्सचेंज है इसके अंदर अनकंडीशनल ऑर्डर होता है, जिसके अंदर एक स्पेसिफिक पर्सन को कहा जाता है कि आपने एक स्पेसिफिक सम जो है सर्टन पर्सन को जो है पे करना है। और देखो, बिल ऑफ एक्सचेंज के अंदर क्या है, तीन पार्टीज होती हैं, ड्रॉयर है, ड्रॉई है, पेई है। देखो, जैसे मान लो ए है जो है उसने बी को क्रेडिट पे सेल किया है, तो ए जो है देखो बिल बी के ऊपर बिल ऑफ एक्सचेंज लिखेगा, जिसके अंदर वो उसको एक अनकंडीशनल रिटर्न फॉर्म के अंदर ऑर्डर देगा कि एक स्पेसिफाइड डेट पे एक स्पेसिफाइड सम जो है सर्टन पर्सन या उसके ऑर्डर के मुताबिक पे करना है। तो यहाँ पे देखो, जो ए है ही ड्रॉयर और जो बी है वो ड्रॉई है। देखो, जब ए बी के ऊपर बिल ऑफ एक्सचेंज लिखता है, बी उसको एक्सेप्ट करता है, तब ये बिल ऑफ एक्सचेंज नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के अंदर जो है वैलिड हो जाता है। ठीक है, तो पे जो है ए भी हो सकता है या ए के अकॉर्डिंगली, अगर ए किसी और को इंडोर्स कर देता है, जैसे सी को इंडोर्स कर देता है, तो यहाँ पे सी जो है पे ही हो जाएगा, और जो ड्रॉयर है वो पे ही भी हो सकता है। तो जो बिल ऑफ एक्सचेंज है इसके अंदर तीन पार्टीज होती हैं, ड्रॉयर होता है, ड्रॉई होता है, पे ही होता है। और देखो, जो प्रॉमिसरी नोट है ये एक इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग होता है, जो कि बैंक नोट या करेंसी नोट नहीं होना चाहिए। और इसके अंदर भी देखो एक अंडरटेकिंग होती है, प्रॉमिस होता है, अनकंडीशनल बिना किसी शर्तों के अंडरटेकिंग, और जिसके अंदर जिस बंदे ने पैसा देना होता है उसको मेकर कहते हैं। उसके द्वारा ये अंडरटेकिंग साइंड होती है टू पे ए सर्टन सम ऑफ मनी टू और टू द ऑर्डर ऑफ ए सर्टन पर्सन, सर्टन सम ऑफ मनी जो है एक स्पेसिफाइड पर्सन को या उसके ऑर्डर के मुताबिक पे करनी है। प्रॉमिसरी नोट के अंदर जिसने पैसे देने होते हैं वो प्रॉमिस करता है, वो अंडरटेकिंग करता है। उसके अंदर दो पार्टीज होती हैं, मेकर्स एंड पे। मेकर होता है जिसने पैसे देने हैं, पे होता है जिसको पैसे लेने हैं। अब इनके अंदर जो है डिफरेंस देखते हैं। देखो, अगर कई बार डिफरेंस आता है तो बच्चे जो है ज़्यादातर क्या करते हैं, बिल ऑफ एक्सचेंज और प्रॉमिसरी नोट का मतलब नहीं लिखते, उसका मीनिंग आपने लिखना है, उसके बाद आपने डिफरेंस जो है एलैबोरेट करना है। हाँ, अगर आपके पास टाइम नहीं है तो उस सिचुएशन के अंदर जो है आप जो है डिफरेंस से स्टार्ट कर सकते हो, बट अगर आपने अच्छे मार्क्स लेने हैं तो बिल ऑफ एक्सचेंज का ब्रीफली जो है उसका मीनिंग जो है एक्सप्लेन करो, प्रॉमिसरी नोट का भी मीनिंग एक्सप्लेन करो, उसके बाद जो है डिफरेंस जो है आप बताओ। अब देखो, यहाँ पे हम डिफरेंस करें कि बिल ऑफ एक्सचेंज और प्रॉमिसरी नोट के अंदर क्या डिफरेंस है। पहले तो देखो, नेचर ही डिफरेंस है। बिल ऑफ एक्सचेंज क्या है, अनकंडीशनल ऑर्डर, बिना शर्तों के एक बंदे को ऑर्डर दिया जाता है कि स्पेसिफाइड सम जो है एक स्पेसिफाइड पर्सन या उसके ऑर्डर के मुताबिक एक स्पेसिफाइड डेट को पे करना है। और जो प्रॉमिसरी नोट है ये क्या है, बिना किसी शर्तों के अंडरटेकिंग है या प्रॉमिस है कि मैं एक स्पेसिफाइड पर्सन को स्पेसिफाइड डे पे करूँगा। और यहाँ पे देखो, बिल ऑफ एक्सचेंज के अंदर तीन पार्टीज होती हैं, ड्रॉयर होता है जो कि बिल ऑफ एक्सचेंज लिखता है, ड्रॉई जो है एक्सेप्ट करता है, पे जो है जिसको पेमेंट होनी है। लेकिन जब हम प्रॉमिसरी नोट की बात करते हैं तो इसके अंदर दो पार्टीज होती हैं, एक मेकर होता है, एक पे होता है। मेकर जिसने पैसे देने हैं, और जो प्रॉमिस करता है, पे जो जिसको पैसे हमने देने हैं। और देखो, बिल ऑफ एक्सचेंज के अंदर क्या होता है कि एक्सेप्टेंस चाहिए होती है, जब ड्रॉयर लिखता है तभी वो वैलिड होता है, जब ड्रॉयर उसको एक्सेप्ट कर लेता है। लेकिन जो प्रॉमिसरी नोट है, क्योंकि मेकर ने लिखा है जिसने पैसे देने हैं, तो एक्सेप्टेंस की कोई ज़रूरत नहीं होती। और देखो, यहाँ पे बेसिकली क्या है कि जो ड्रॉयर की लाइबिलिटी है ये सेकेंडरी है और कंडीशनल होती है। जैसे मान लो ए ने जो है बी के ऊपर बिल ऑफ एक्सचेंज लिखा है, ठीक है, बी ने उसको एक्सेप्ट कर लिया, ए जो है आगे सी को
ट्रांसफ़र कर देता है। तो उस सिचुएशन के अंदर जो सी है उसने पेमेंट बी से लेनी है, अगर बी पेमेंट नहीं करता तो उस सिचुएशन के अंदर जो ए की लाइबिलिटी जो है वो अराइज होती है। इसीलिए हम कहते हैं कि जो बिल ऑफ एक्सचेंज है उसके अंदर जो ड्रॉयर है उसकी लाइबिलिटी सेकेंडरी है, क्योंकि प्राइमरी लाइबिलिटी जो है ड्रॉय की है। अगर ड्रॉय पेमेंट नहीं करता सी को, उस सिचुएशन के अंदर सी जो है ए से पैसे मांगेगा। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि नेचुरली यहाँ पे देखो, जैसे यहाँ पे देखो ई है, वो एफ को क्या है कि प्रॉमिस करता है, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली ई की ड्यूटी बनती है कि वो एफ को पेमेंट करे, क्योंकि यहाँ पे मेकर ने प्रॉमिस किया है। मेकर की जो ड्यूटी है, जो लाइबिलिटी है, वो प्राइमरी एंड एब्सोल्यूट है। और देखो यहाँ पे अगर बेसिकली बिल ऑफ एक्सचेंज जो है डिसऑनर हो सकता है नॉन एक्सेप्टेंस की वजह से या नॉन पेमेंट की वजह से, तो यहाँ पे नोटिस देना असेंशियल है। कुछ एक्सेप्शनल केसेस होते हैं वहाँ पे नोटिस जो होता है एक्सक्यूज किया जाता है, लेकिन प्रोमिसरी नोट के अंदर तो जिस बंदे ने पैसे देने हैं वही डिसऑनर कर रहा है तो वो अपने आप को नोटिस थोड़ी देगा। तो यहाँ पे नोटिस देना जो होता है असेंशियल नहीं होता। अब देखो यहाँ पे जो बिल ऑफ एक्सचेंज है उसके अंदर तीन पार्टीज होती हैं, ड्रॉयर होता है, ड्रॉई होता है एंड पेई होता है। तो जो ड्रॉयर है उसका इमीजिएटली एक्सेप्टर के साथ रिलेशन होता है, पेई के साथ नहीं होता। लेकिन यहाँ पे मेकर और पेई दो पार्टीज हैं तो इनका इमीजिएट रिलेशन होता है। और देखो जो बिल ऑफ एक्सचेंज है कुछ सिचुएशंस के अंदर विद कंडीशन भी एक्सेप्ट किया जा सकता है, लेकिन जो प्रमिसरी नोट है ये कभी भी जो है कंडीशनल नहीं होना चाहिए। और देखो ये जो बिल ऑफ एक्सचेंज है, जो फॉरेन बिल्स होते हैं इनको सेट, फर्स्ट सेट, सेकंड सेट, थर्ड सेट के कई बार ट्रांजिट के अंदर वो खो जाते हैं तो सेट्स में ड्रॉ किया जा सकता है, लेकिन प्रोमिसरी नोट जो होता है सेट में ड्रॉ नहीं किया जा सकता। और देखो यहाँ पे कई सिचुएशन के अंदर जैसे ए ने बी के ऊपर बिल ऑफ एक्सचेंज लिखा है तो बी ने जो है पेमेंट ए को देनी है, तो जो ड्रॉयर है वो पे सेम भी हो सकता है अगर ड्रॉयर जो है आगे किसी और को इंडोर्स नहीं करता। लेकिन यहाँ पे जब हम प्रोमिसरी नोट की बात करते हैं तो जो मेकर और पे जो है वो सेपरेट पर्सन होते हैं, क्योंकि मेकर जिसने पैसे देने हैं जो कि प्रॉमिस कर रहा है, अंडरटेकिंग दे रहा है, और पे जो है जिसने पैसे लेने हैं, तो वो सेम पर्सन नहीं हो सकते, वो डिफरेंट हो सकते हैं। लेकिन बिल ऑफ एक्सचेंज के अंदर ड्रॉयर एंड पे जो है सेम पर्सन भी हो सकता है। और देखो अगर जो फॉरेन बिल जो है अगर वो बिल ऑफ एक्सचेंज डिसऑनर हो जाता है तो उसकी नोटरिंग पब्लिक से प्रोटेस्टिंग करानी ज़रूरी होती है, उसके अंदर फॉर्मल सर्टिफिकेट मिलता है जिसके अंदर लिखा होता है कि बिल ऑफ एक्सचेंज इन रीज़न की वजह से जो है डिसऑनर हुआ है, तो ये एक एविडेंस होता है। लेकिन बिल ऑफ एक्सचेंज के अंदर जो है ऐसी कुछ प्रोविज़न नहीं होती। लेकिन यहाँ पे देखो जो बिल ऑफ एक्सचेंज है इसकी एक्सेप्टेंस होनी चाहिए, इसको ड्यू डेट पर प्रेजेंट होना चाहिए, तो कुछ ऐसी प्रोविज़न जो है बिल ऑफ एक्सचेंज को एप्लीकेबल है लेकिन प्रोमिसरी नोट को वो एप्लीकेबल नहीं।